नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं। चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सावरना जीएस पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन ट्रिक, जिसके माध्यम से आप जितनी भी फसल हम लोग उगाते हैं, भारत की जो प्रमुख फसल है, भारत के जो किसान कहता है कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में निवास करती है, भारत की आत्मा जो है इन किसानों में निवास करती है, और ये हमारे देश के किसान कितनी प्रकार की कृषि मेनली हमारे यहाँ उगाते हैं और वो किस प्रकार की कृषि में आता है, इससे संबंधित सवालें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि भारत की जो प्रमुख फसल है, अरे फसल हम लोग कितना तरह का उगाते हैं, तीन तरह का, कौन कौन? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो रबी की फसल उगाएं या खरीफ की फसल उगाएं या जायद की फसल उगाएं, तो ये मेनली तीन तरह की फसल उगाते हैं। लेकिन एग्जाम में सवाल पूछता है, कभी बोल देगा कि बताइए गेहूं किस प्रकार की फसल है, कभी बोल देगा बताइए धान किस प्रकार की फसल है, कभी बोलता है बताइए बाजरा किस प्रकार की फसल है, कभी बोलेगा मक्का किस प्रकार की फसल है, कभी बोलता है भिंडी और लौकी किस प्रकार का फसल है, ऐसा क्वेश्चन होता है। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि रबी फसल की बुआई कब होती है, कभी पूछेगा रबी फसल की कटाई कब होती है, कभी बोलता है कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है, कभी कहेगा खरीफ फसल की कटाई कब होती है। तो इस तरह के सवाल जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी फसल के बुआई के बारे में, कटाई के बारे में, और उसके अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है, उसको हम लोग ट्रिकी अप्रोच से अभी याद करने का, सीखने का और समझने का काम करेंगे। तो आइए, सबसे पहला जो आपका सवाल बनता है वो रबी की फसल से बनता है, और हम आपको रबी की प्रमुख फसल जो है इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे कि रबी की फसल में कौन कौन फसल आता है, उसकी बुआई कब होती है और उसकी कटाई कब होती है। देखिए, इसके लिए ट्रिक है, आप लोग हमारे इस ट्रिकी सेशन का बहुत मजा लेते हैं ना, बच्चे कमेंट करते हैं कि आप सर साइंस गुरु के साथ साथ ट्रिकी गुरु भी हैं। चलो खैर, ये आपका प्यार है, हम गुरु योग तो अभी नहीं बन पाए हैं, गुरु का बहुत बड़ा अर्थ होता है चेला, हम आपके दोस्त हैं, बस हम आपकी मदद करते हैं आपको अपनी सफलता तक पहुंचाने में, आपके गुरु यदि आप हमें मानते हैं तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे और हमारी वीडियो को इसी तरह से आप अन्य लोगों तक पहुंचाते रहें, शेयर करते रहें, तो और भी मजा आएगा और भी हम इसको अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, एकदम आनंद लीजिए। और निश्चित रूप से एग्जाम में जितने भी तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपसे उसका क्वेश्चन यदि नहीं बनता है, तो हम गारंटी लेते हैं कि उन सारे सवाल का जवाब आप एकदम सेकेंड के अंदर दे दीजिएगा, बस थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सा समय देकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो हम आपको बताते हैं रबी की फसल के बारे में एक छोटा सा ट्रिक, वो ट्रिक है आगे जो मचे ऑन मैरिज सर मसूराय। ये देखने में बड़ा छोटा सा और प्यारा सा स्टेटमेंट है, आगे जो मचे ऑन मैरिज सर मसूराय, यानी इसका मतलब ऐसे होता है कि पहले जो मजा आता है शादी के बाद, यानी ऑन मैरिज, वो सजा में बदल जाता है, क्योंकि जिसका शादी नहीं हो है उसको लगता है इस बार सबका ब्याह हुआ, हमरो हो जाता ना तो बड़ा मजा आता है, पहले तो मजा आता है लेकिन जैसे शादी होता है कि फिर कहता हो यार क्या करें, इससे अच्छा तो पहले ये थे। तो आगे जो मचे ऑन मैरिज सर मसूराय, अब इसमें कहिएगा सर कैसे बताएंगे कि कौन फसल रबी की फसल है, उसकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो पता चल गया, आगे जो मचे ऑन मैरिज सर मसूराय। अब देखिए, इसमें अंग्रेजी के तो यही वर्ड लिखा हुआ है, एक ऑन है और दूसरा मैरिज है। अब देखिए, कोई भी फसल की पहले बुआई होगा, इसके बाद उसका कटाई होगा, तो पहले ऑन है उसके बाद मैरिज है, इसका मतलब हो गया, ओ का मतलब हो गया अक्टूबर और एन का मतलब हो गया नवंबर, यानी क्लियर हो गया कि रबी फसल की बुआई की बात आपसे करेगा कि रबी फसल की बुआई कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर में। ध्यान देना मेरे दोस्त, कहता है कि रबी फसल की बुआई कब होता है, तो अब कंफ्यूजन ही नहीं होगा, आगे जो मचे ऑन मैरिज सर मसूराय, उसमें ऑन पहले है, तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होगी, एम ए बाद में है तो हो जाएगा मार्च, एम ए आर सी एच, मार्च और अप्रैल,
मार्च और अप्रैल, इसमें क्या हो जाएगा कटाई, क्योंकि आपको पता है कोई भी फसल पहले बोआ जाएगा तब न काटेंगे। तो रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। अब कौन कौन फसल रबी की फसल है तो गौर कीजिएगा, आप आलू का नाम सुने होंगे, आलू क्या है तो रबी की फसल है, गेहूं भी रबी की फसल है, जौ जो है वो भी रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, सरसों का नाम सुने होंगे, सरसों रबी की फसल है, और अफीम का नाम सुने होंगे, अफीम ये भी क्या है रबी की फसल है। तो गौर करना आगे जो मचे ऑन मैरिज सरमसुराय, यानी रबी फसल की बुआई कब? अक्टूबर नवंबर में। कटाई कब? मार्च अप्रैल में। बुआई कटाई क्लियर हो गया, अब कौन कौन फसल है तो गौर कीजिएगा, आलू, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों और अफीम। आलू, गेहूं, जौ, मटर, सरसों और अफीम, ये सब किस प्रकार की फसल है? ये टोटल का टोटल जो फसल देखे हैं ये रबी फसल की है, और हमारे किसान भाई जो रबी की फसल उगाते हैं उसमें इतने सारे फसल का नाम आता है जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में और कटाई कब होती है? मार्च अप्रैल में। तो इस तरह के सवाल से उम्मीद करते हैं आपसे एग्जाम में जब पूछा जाए कि रबी फसल की बुआई कब होती है तो अक्टूबर नवंबर में, कटाई कब होती है मार्च अप्रैल में, आलू किस प्रकार की फसल रबी की फसल, चना किस प्रकार की फसल रबी की फसल, गेहूं किस प्रकार की फसल रबी की फसल, जौ किस प्रकार की फसल रबी की फसल, सरसों किस प्रकार की फसल रबी की फसल। तो आपका ये रबी की फसल का ट्रिक क्लियर हो गया, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे या फिर कभी कंफ्यूजन हो तो दोबारा भी आप देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं हम आपको लेकर खरीफ की फसल में। ये तो रबी की फसल की बात थी, एक होता है खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। अब देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें भी एक ट्रिक है, उससे आपका खरीफ फसल की बुआई कब होता है, खरीफ फसल की कटाई कब होता है, और कौन कौन सा फसल खरीफ की फसल है वो सारा क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा तो गौर कीजिएगा, कम गति से जोत जे जे ओन धांगना मुहर, ध्यान देंगे, कहता है कम गति से जोत जे जे ओन धांगना मुहर, ध्यान देना है। इसमें भी अंग्रेजी का दो एगो टर्म लिखल है, कौन कौन, एक जे जे और एक ओन। क्लियर हो गया कि पहले बुआई होगा फिर कटाई होगा, तो बुआई कब होगा जून जुलाई में, बुआई कब होगा खरीफ फसल की बुआई होता है मेरे दोस्त जून जुलाई में, खरीफ फसल की बुआई कब होता है जून जुलाई में, और कटाई कब होता है अक्टूबर नवंबर में। इसका मतलब है कि अक्टूबर नवंबर में हम लोग खरीफ फसल को काट कर रबी की फसल बो देते हैं, क्लियर हुआ ना। तो जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल की कटाई होती है। अब कौन फसल इसमें आता है तो आपने कपास का नाम सुना होगा, सभी लोग सुने हैं, सभी लोग कपास का नाम सुने होंगे, एकदम सुनना चाहिए आपको, मक्का का भी नाम सुने होंगे, तो कपास, मक्का, गन्ना भी सुने होंगे, तिल भी सुने होंगे, जूट भी सुने होंगे, तंबाकू भी सुने होंगे, धान भी सुने होंगे, और अरहर भी सुने होंगे, हर से अरहर, अरहर भी सुने होंगे। गौर कीजिएगा, अब यह था कि खरीफ फसल में कौन आता है, उसकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। तो गौर कीजिएगा, बुआई तो क्लियर है, पहले बोएंगे तब काटेंगे, तो जून जुलाई में उसकी बुआई, अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल की कटाई। अब एक खरीफ फसल में आएगा कौन, कपास, कम गति से जोत जे जे ओन धांगना मुहर। पहले जो ये किसान लोग जो हैं, धान से जब चावल को निकालना होता था तो उसको धंगवाते थे, यानी इस तरह के बैल में पांच को दस को बैल को समेट के वो चारों तरफ घुड़ दौड़ करता था, कैसे अभी हम लोग शादी विवाह में घोड़ा को दौड़ाते हैं, तो उसी तरह से उस समय बैल को एक खुट्टा में बांधकर, एक कील में बांधकर उसको चारों तरफ से दौड़ाया जाता था, तो धान को क्या करता था, चूर चूर करके उससे चावल अलग करता था। तो वही है कि कम गति से जोत
जे ऑन भागना मोअर, यानी उसको धीरे धीरे करके उसका मतलब जुताई करना, मतलब घुमाना है ताकि उससे आराम से धान निकल सके। तो कम गति से जोत, जे ऑन भागना मोअर। अब गौर करेंगे आप, क से हो गया कपास, म से मक्का, ग से गन्ना, त से तिल, ज से जूट, त से तंबाकू, ध से धान, और मुंह में हर जो है उससे क्या हो गया, अरहर। यानी अरहर हो, धान हो, गन्ना हो, तिल हो, जूट हो, तंबाकू हो, मक्का हो, कपास हो, ये सब किस प्रकार की फसल है? ये टोटल का टोटल खरीफ की फसल है। इसकी बुआई कब होती है? तो इसकी बुआई होती है जून जुलाई में, और कटाई कब होती है? तो कटाई होती है अक्टूबर नवंबर में। यानी जून जुलाई में इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। क्लियर हो गया? कम गति से जोत, जे ऑन धांगना मुहर। यानी कपास, मक्का, गन्ना, तिल, जूट, तंबाकू, धान, अरहर, ये सब खरीफ की फसल है। उसकी बुआई कब होता है? तो जून जुलाई में। कटाई कब होता है? तो अक्टूबर नवंबर में। अब एक बच गया आपका जायद की फसल। इसमें क्या करना है, कोई ट्रिक नहीं याद रखना है, सीधे समझना है। जायद की कृषि में वो आता है जो ज्यादा होशियार किसान खेती करता है। जैसे 90% किसान को आप देखते हैं वो या तो गेहूं या तो धान की खेती करेगा। मात्र 10% ऐसे किसान हैं जो लौकी का खेती करते हैं, भिंडी का खेती करते हैं, खीरा का खेती करते हैं, ककड़ी का खेती करते हैं। आप भी अपने गाँव में गौर से देखिएगा कि कितने किसान ऐसा काम करते हैं। तो मुश्किल से 5 से 10% बहुत हो गया, उतना भी लोग करते हैं। तो किसकी खेती? आलू, ये क्या बोलते हैं, गन्ना का खेती भी कम लोग करते हैं, लेकिन वो तो भाई खरीफ में आ गया। ये खीरा का, ककड़ी का, तरबूज का, खरबूज का, लौकी का, भिंडी का, टमाटर का। तो टमाटर, भिंडी, लौकी, बैगन, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये जितना भी नाम अभी लिए हैं, ये टोटल का टोटल जायद की कृषि है। अर्थात ज्यादा होशियार किसान जिसकी खेती करता है वो जायद की कृषि। ऐसा कोई परिभाषा वैज्ञानिक तौर पर नहीं है, ये थोड़ा टेक्निक हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि लौकी, भिंडी, बैगन, टमाटर, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, इसके बारे में पूछा जाए तो ये जायद की कृषि होगा। बाद में कि रबी और खरीफ का ट्रिक आपने देखा और अच्छे तरीका से आपको समझ में आ गया कि रबी फसल की बुआई कब होगा, कटाई कब होगा, कौन फसल होगा, खरीफ फसल की बुआई कब होगा, कटाई कब होगा, कौन फसल होगा। तो इस वीडियो में आपका ये पूरी जो प्रमुख फसल था वो क्लियर हो गया। धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग प्यार बनाए रहिए, बढ़िया से पूरे अच्छे तरीका से गौर से देखिए, सुनिए, समझिए, और इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हम उन बच्चों तक पहुंचे जो बच्चे गाँव में रहकर पढ़ते हैं, वो पटना नहीं आ पाते हैं और वो भी चाहते सरकारी जॉब करें। तो मुझे उन बच्चों तक पहुंचाने में आप सहयोग प्रदान करें, आप मदद करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।